क्या हो रहा है यहाँ? अमन एंड आयुष आर डांसिंग। हाँ जी सही बात, अमन सर एक साथ बोलिए, अमन एंड आयुष आर डांसिंग। और क्या कर रहे हैं? अच्छा वो लोग गाना भी गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग। तो क्या फिर से नहीं बोल सकते हैं कि आयुष एंड अमन आर सिंगिंग? बोल सकते हैं कि नहीं? अगर क्यों बोल सकते हैं कि आयुष और अमन ही तो गा रहे हैं ना जी, जी। लेकिन आप लोग कहना है कि नहीं फिर से नहीं बोलेंगे आयुष एंड अमन, तो क्या बोलेंगे फिर से? दे आर सिंगिंग। दे मतलब वे कौन? वे लोग आयुष एंड अमन को ही दूसरी बार में क्या बोल रहे हैं हम लोग? दे आर सिंगिंग। चलिए कोई लिखिए तो यहाँ आकर के, अभी आयुष अमन क्या कर रहे थे लिखिए। आयुष एंड अमन खड़ा होइए बगल में आप लोग, बहुत अच्छा काम किए हैं अभी, बैठिए आइए। हाँ नेक्स्ट तैयार रहिएगा। अब बाद में, अभी क्या गलती हो रहा है वो बाद में, अभी पहले लिखने दो। चलिए ठीक है बैठिए, अब आइए सुमन, आप क्या बोली थी आइए लिखिए। डांस के साथ साथ वे लोग, डांस के साथ साथ क्या हो रहा था? डांस के साथ क्या हो रहा था? सिंगिंग। तो लिखिए वहां चौक दीजिए। गुड बैठिए। आप बताइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अमन एंड आयुष आर डांसिंग। क्या क्या हुआ इसका मतलब? अमन और आयुष नृत्य कर रहे हैं जी। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? मतलब कौन लोग? क्यों रोशन और ये विवेक नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है लेकिन उन लोग तो रुका रहा था इसलिए उन लोग तो मतलब। रोशन या विवेक ही दे मतलब हो सकता है कि नहीं यहाँ? तो रोशन और विवेक गाना गा रहे थे? नहीं। कौन गाना गा रहे थे? तो यहाँ दे का मतलब क्या हुआ? दे किसके लिए आया है? फिर से अमन आयुष भी लिख सकते थे कि नहीं? लिख सकते थे लेकिन वो क्या होता बिना बेवजह के हमको समय ज्यादा लगता, फिर से दोबारा लिखना पड़ता, लेकिन इसको लिखे बिना काम चला, क्या लिखना पड़ गया वहाँ? तो ये दे किसके लिए आया? अमन आयुष। तो दे क्या चीज हुआ? वे सब हुआ। तो कैसा है ये, कैसा वर्ड है ये अमन? कैसा वर्ड है अमन? क्या है? नाउन है अमन। और आयुष क्या है? नाउन है। तो ये अमन और आयुष के बदले में क्या लिखे यहाँ पर हम लोग नीचे में? दे। तो दे कैसा वर्ड हो गया? प्लूरल हो गया प्रोनाउन। क्यों हुआ प्रोनाउन? अमन और आयुष के बदले। हाँ प्रोनाउन वैसे किसको बोलते हैं? प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो किसी नाउन के बदले में हम उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अमन और आयुष नाउन है, उसके बदले में क्या प्रयोग किए हैं? दे का। तो दे क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन। क्या हुआ अभी? अब यहाँ जो बोर्ड पर जो भी लिखे हुए हैं वर्ड्स सेंटेंसेस, उसमें कौन कौन सा नाउन है और कौन कौन प्रोनाउन है बताइए। ठीक है इधर बताइए और कौन नाउन है? एक एक करके वहाँ सबसे पीछे प्रियंका, और कौन नाउन है? चंदन और सुमन बोल दी इन लोग, और कौन है नाउन? बोलो बोलो इतना आप लोग कितना इतना क्या बोलते हैं उसको, उतावला क्यों हो जाते हैं? बोलने दीजिए प्रियंका बोलेगी।
हाँ गुड फिर कौन है वेरी गुड बताइए ना ऐसा हम लोग को नहीं मानना चाहिए कि सब हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है वो खड़ी हो रही है उसको आप हम एक पूछे थे वो चार बताई पता था तब ना इसको कहते हैं मौका देना किसी को बोलने का मौका दे दिए उसको रिस्पॉन्ड करने का मौका दे दिए चलिए सिट डाउन वेरी गुड थैंक यू प्रियंका आप बताइए इसमें प्रोनाउन कौन है एक बताइए कोई एक प्रोनाउन बताइए दे प्रोनाउन है इधर बताइए प्रोनाउन पूजा प्रोनाउन कौन है यहाँ एक दे बताया गया और कौन प्रोनाउन है प्रोनाउन मतलब समझ रही हो ना जो नाउन के बदले में आया है ही वेरी गुड ही एक प्रोनाउन है और इधर से सी वेरी गुड प्रोनाउन है तो यहाँ कितना प्रोनाउन का उपयोग हुआ है कितना ही. कौन कौन ही सी और दे. अब हम लोग एक अगला प्रोनाउन के बारे में जानेंगे ठीक है तैयार रहिए.